चमोली जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यभार ग्रहण किया। प्राथमिकताओं को लेकर उन्होंने कहा कि जिले के पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिले और साथ ही कोरोना महामारी की चुनौती से लड़ने के साथ साथ जिले के शहरी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का प्रयास रहेगा। आईएएस अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी की है। करौली कलेक्टर रहे सिद्धार्थ साहब का चूरू ट्रांसफर किया गया है, वहीं उनकी जगह करौली में राजेंद्र सिंह शेखावत जी को कलेक्टर लगाया गया है। आज हम उनसे खास चर्चा करते हैं, करौली जिले में उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, उनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, कोविड चल रहा है उसके लिए उनकी क्या प्रबंध रहेंगे। जी सर, पहले तो आपका स्वागत है करौली जिले में। थैंक यू। क्या व्यवस्था प्राथमिकता रहेंगी सर? मैंने कल शाम को ज्वाइन किया है और मुझे वैसे वर्क काम करते हुए देखते हुए 4-5 घंटे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने महसूस किया वो ये है कि यहाँ काम करने की काफ़ी गुंजाइशें हैं। निश्चित रूप से एरिया कंपेरेटिवली कई डिस्ट्रिक्ट से पिछड़ा हुआ भी है, लेकिन जो सोच में वहाँ से लेके जयपुर से चला था, लोगों ने जो फीडबैक दिया था उससे यहाँ के लोग डिफरेंट हैं, अच्छे हैं और लोगों में काम करने की कैपेसिटी, अधिकारियों से बातचीत की वो भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ काफ़ी काम हो सकता है। हमारे जैसे नरेगा का मैंने किया, महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम है उसके अंदर, उसमें कुछ पेमेंट डिले होता है, ये मैंने चीज़ें देखी। इसके अलावा ये देखा कि काफ़ी कुछ स्कीम्स में और अधिक बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है, जैसे सिल्कोसिस के पेशेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी लोगों के पेमेंट्स बकाए हैं, तो उसमें कई जगह वेरिफिकेशन की वजह से रुके पड़े हैं, कई वजह से उनकी सेंक्शन जारी नहीं हो रही, तो ऐसे हम स्पीडअप करने की कोशिश करेंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट में CMHO से बात की तो काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोल में हैं कोरोना को लेकर, मैंने और टोडा भीम में करौली और इस जगह रिव्यू भी किया है और हम इसको टेकअप कर लेंगे कि इसमें कोरोना बढ़े नहीं और पेशेंट्स नहीं आए, इसलिए पूरी तैयारी हमने करने के डायरेक्शन दे दिए हैं, इसको अंदर खुद भी विजिट करेंगे। और जहाँ तक दूसरी स्कीम्स का प्रश्न है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स को मैंने रिव्यू किया है, जैसे सप्लाई में रिव्यू किया है, तो वैकेंट पोस्ट जो खाली दुकानें हैं उनका मैनेजमेंट भी देखा है किसको दे रखा है। इसके अलावा जो आश्रित जो जिनकी डेथ हो गई राशन डीलर की, उनके आश्रित को देने के इश्यूज हैं वो भी रिव्यू किए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कोई बुला के देखा है, तो बेसिकली सारे डिपार्टमेंट्स को रिव्यू करके मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ हम आगे हैं और कहाँ पीछे हैं और किस में हमें और अधिक एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, और राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएँ हैं और जो जो स्कीम्स हैं उनका लाभ हर आदमी को पहुँचे और हम ढंग से काम कर सकें, और इस काम करने में हम भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और इसके अलावा पब्लिक भी है, सब लोग मिलकर साथ काम करेंगे और तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। जी जी, हमारे साथ करौली जिले के नए जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, तो उन्होंने कहा कि जो सरकार की योजना है उनको धरातल पर लाया जाएगा, कोविड प्रबंधक के बेहतर प्रयास किए जाएंगे, कोरोना संक्रमण बढ़े नहीं, इसके लिए इन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से बात की है। राधा कैमरामैन राधारमन सारस्वत के साथ ईटी अवनीश पारसर A1 TV करौली।